दक्षिण लेबनान में इजरायली टैंकों ने यूएन की एक इमारत पर अटैक किया। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्स यानी यूनिफिल के दो सदस्य घायल हो गए। ये दोनों इंडोनेशिया के नागरिक हैं। यूनिफिल शांति रक्षक मिशन 1978 में बना था। ये इस इलाके में पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी रोकने और दक्षिणी लेबनान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गठित किया गया था। लेबनान में इस वक्त यूनिफिल के 10,000 शांति रक्षक सैनिक हैं। इनमें 50 देशों का योगदान है। इसके अलावा इसके 800 सिविलियन स्टाफ हैं। यूनिफिल दक्षिण लेबनान में दो कथित ब्लू लाइन के बीच काम कर रही है। यूएन पीस मिशन की टीम पर हमले के बाद इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने इजराइल से जवाब मांगा है। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने नकोरा में भी जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे और इस इलाके में आ रहे एक टैंक को गाइडेड मिसाइल से नष्ट कर दिया। इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि पूर्वी लेबनान के करके गाँव पर इजरायली हमले में 4 लोग मारे गए और 17 लोग घायल हो गए। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एकदम क्लियर हैं कि हिजबुल्ला के अंतिम आतंकी के खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच इसराइल ने अपनी सुरक्षा को और चौकस किया है। हालांकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला सीमा पर इजरायली गांवों में लगातार रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इससे अब तक किसी भी इजरायली नागरिक के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। इसराइल के अंधाधुंध हमलों के बीच हिजबुल्ला ने इसराइल के हाइफा की खाड़ी को निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ करीब 100 रॉकेट दागे हैं। कुछ को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ गिरे जिससे 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 जख्मी हो गए। किरियत शमोना में 20 रॉकेट गिरे, मौत भी यही हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसराइल की सबसे कमजोर नस साबित हो रहा है हाइफा का इलाका। हिजबुल्ला, हूथी, ईरान सबके निशाने पर हाइफा ही है। यरूशलम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है हाइफा। 2022 के मुताबिक यहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। माउंट कार्मेल के पठारी ढलानों पर बसे इस शहर का इतिहास 3000 साल पुराना है। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में युद्ध हुआ तो यहाँ के अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद यह शहर इजराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। इजराइल का हमला घातक और पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है, जिससे हुई तबाही की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अब सवाल है कि इजरायली हमलों के बीच मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ने का खतरा कितना बड़ा है। असल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त तुर्कमेनिस्तान में हैं। कहने के लिए तो पुतिन 18वीं सदी के कवि की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी मिल रहे हैं। 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उसके ईरान के साथ संबंध गहरे हुए हैं। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगातार रूस की मदद की है। 2022 के अंत में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन रूस भेजे, साथ ही ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग के लिए रूसी सेना को ट्रेनिंग भी दी, जिससे रूस की यूक्रेन के मोर्चे पर बहुत मदद हुई। लेबनान के खिलाफ इसराइल के हमलों के बीच नेतन्याहू की नज़र ईरान से बदले पर है और ईरान टारगेट बनता है तो जाहिर है पलटवार करेगा, और फिर तीसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस, अमेरिका, चीन सबके लिए ये बदले का वक्त होगा। और उधर इसराइल पर भी हिजबुल्ला के लड़ाके ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। हिजबुल्ला ने इस बात का दावा किया है कि उसने हाइफा में इसराइल पर ड्रोन से हमला किया है, जबकि आईडीएफ की तरफ से भी एक बयान जारी कर इस बात का दावा किया गया है कि लेबनान की तरफ से उत्तरी इसराइल में रॉकेट से हमले किए गए। हालांकि इसराइल की सेना ने यह भी दावा किया है कि रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया गया है। हमास और इसराइल की जंग के बाद से ही हिजबुल्ला लेबनान से इसराइल के ठिकानों पर रॉकेट दाग रहा है। हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल में कितनी तबाही हुई है, आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा दें। इसराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला लगातार रॉकेट और मिसाइल फायर कर रहा है। ऐसे ही एक जगह पर मैं हूँ जहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो घर है वो पूरी तरह से उजड़ गया है, और आया कहाँ से मिसाइल, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। बेहद करीब बॉर्डर के मैं हूँ। ये
जो आप ऊंचाई पर घर देख रहे हैं, पहाड़ियों पे जो घर बने हैं, ये इसराइल के ही बस्ती के विजुअल आप देख रहे हैं। यहाँ इसराइली लोग रहते हैं, लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ वहाँ पर लेबनान है और वहाँ से लेबनान से ही हिजबुल्ला लगातार रॉकेट और मिसाइल फायर करता है। ये जो पेड़ देख रहे हैं घने, इन पेड़ों के बीच में और कई जगहों पर आयरन डोम सिस्टम एक्टिव रहता है और वही इंटरसेप्ट करता है मिसाइलों को और उनको हवा में नष्ट कर देता है ज़्यादातर को। लेकिन कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहाँ के हैं इसराइली उनके घरों तक पहुँच जाते हैं। लोगों को चोट लगी, कितने लोगों को चोट लगी, क्या हुआ, ये बताएंगे। मेरे साथ एक हिंदुस्तानी हैं, गुजरात के हैं, यहाँ पर काम करते हैं और ये भी अपने घर में, ये पीछे वाला जो इनका अपार्टमेंट है वहाँ पर, उस अपार्टमेंट में थे वो और कांच के टुकड़े यहाँ से गए। उस वक्त ये फिल्म बना रहे थे, उस वक्त ये जब सायरन बजा तो फिल्म बना रहे थे कि किधर से आएगा प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इनको भागना उसके दूसरी तरफ है ताकि वो बच सकें। ये फिल्म बना रहे थे। क्या नाम आपका, गुजरात में कहाँ घर आपका? मेरा घर गुजरात में आनंद सिटी में है, वहाँ पे एक छोटा गांव है जीटोड़िया। और जी ओके, और बस यहाँ पे मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ, इस घर में मुझे 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था? एक्चुअली कल शाम का टाइम था, जो रेगुलर सब लोग 5 बजे उठते उस टाइम में सडनली सायरन बजा। तो एक्चुअली जब सायरन बजता है तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि एक सेफ जगह पे पहुँचना होता है, और मेरे यहाँ पे ऊपर रूफ है तो मुझे देखना पड़ता है किस तरफ से रॉकेट है, मुझे किस तरफ जाना होता है। तो बस वही जैसे ही रॉकेट का सायरन बजा और मैं उस तरफ देखने लगा और वीडियो शूट करने लगा, जैसा आपने अभी बताया वही। और उधर इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। गजा में ऑपरेशन के दौरान इसराइल के 2 सैनिकों की मौत हो गई है। आईडीएफ ने अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि भी कर दी है। ये बड़ी खबर है। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग भी और ज्यादा अब गहराती चली जा रही है। अब खबर यह है कि गजा में ऑपरेशन के दौरान इसराइल के 2 सैनिकों की मौत हो गई है और खुद आईडीएफ ने अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि कर दी है। इसराइल पर हमला करने के बाद ईरान को अब खुद पर बड़े हमला होने का डर सता रहा है। ईरान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकान ने अब इस जंग का हल कूटनीति से निकालने की बात कह दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सहारा लेंगे। والحاق الأسى وشهداء مزيد من الشهداء ومزيد من دماء الأبرياء هذا لا يجوز بتاتا وهذا العام نقوله इधर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के हेडक्वार्टर पर हुए हमले के बाद यूनिफिल ने बयान जारी कर दिया है जिसमें बताया गया है कि 48 घंटे में 2 बार ये हमले हुए और ये हमला इसराइल की सेना की तरफ से किया गया। इस हमले में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान और इसराइल बॉर्डर पर शांति सेना को तैनात किया है जहाँ उसका हेडक्वार्टर भी है।